नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन पैन कैसे करेक्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका पैन बना हुआ है तो आप कैसे करेक्ट करवा सकते हैं। इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे, पूरी प्रोसेस देखेंगे। 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है पैन कार्ड करेक्शन ऑनलाइन। तो इस तरीके से जो पहला जो एक साइट है, देखिए ऑनलाइन सर्विसेज डॉट एनएसडीएल डॉट कॉम। देखिए, अगर आपकी पैन बननी है तो भी एनएसडीएल की वेबसाइट से बनेगी, और अगर करेक्ट होना ही है तो भी एनएसडीएल की वेबसाइट से बनेगी। इस पर आपने क्लिक कर दिया। देखिए, इस तरीके से ये फॉर्म खुलती है जिसमें मुझे अप्लाई ऑनलाइन कर रहा है और रजिस्टर्ड यूजर। तो मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। मुझे क्या करना है, इसमें पैन कार्ड करेक्शन करना है। अगर मुझे नया पैन बनाना है तो भी यहीं से बनेगा। देखिए, यहाँ न्यू पैन का ऑप्शन आ रहा है, बट अभी मुझे करेक्शन करना है तो मैं करेक्शन पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरी, मैं इंडिविजुअल हूँ, ये क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ टाइटल भरने हैं जिसमें श्री श्रीमती कुमारी, तो यहाँ श्री भर दिया। यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ बर्थ, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, और पैन नंबर, जो पुराना पैन नंबर है वो आपको डालना है। इस पे क्लिक करके और कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने डिटेल भर लिया है, अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आ गए कि यू आर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, टोकन नंबर मुझे मिल गया है, और मुझे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर देनी है। कि हमें यहाँ पर्सनल डिटेल मांगी है, कॉन्टैक्ट्स एंड अदर डिटेल मांगी है, और डॉक्यूमेंट डिटेल मांगेंगे। देखिए, अगर आपका आधार और पैन में नाम सेम है और डेट ऑफ बर्थ सेम है और जेंडर सेम है, तो आपको यही वाला सिलेक्ट करना चाहिए। जनरली क्या होगा कि इससे आपका इमीडिएटली ई वेरीफाई हो जाएगा और उससे आपकी जो पैन कार्ड है वो तुरंत आ जाएगी। तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए, वेरल फिजिकल पैन इज रिक्वायर्ड, हाँ मुझे फिजिकल पैन चाहिए, तो यस। अगर आप नो करते हैं तो आपको ईमेल पे पैन आएगा और उसका कोई फिजिकल कॉपी नहीं आएगा। देखिए, परमानेंट अकाउंट नंबर प्रीफिल आई है, आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, तो यहाँ पे टिक करके हम जो 4 डिजिट है आधार का वो हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि जैसा आधार में फोटो है वैसा ही आपका फोटो क्या पैन पे भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं यस तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ क्योंकि आधार वाली इसमें आ जाएगी। अब आधार का लास्ट 4 डिजिट मुझे यहाँ भरना है। दोस्तों, यहाँ ई आई डी नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, इस पर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद इस समय मुझे कुछ भी नहीं डालना क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मेरा जीएसटी नंबर भी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई एक फर्म होता जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता पैन करेक्शन वगैरह का, तो वहां पर मैं यहाँ जीएसटी नंबर भी डालता ताकि जो जीएसटी नंबर जो कटती है फी पे, जीएसटी जो कटेगी उसकी क्रेडिट मिल सके। खैर, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम बस आगे बढ़ते हैं। देखिए, फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ प्रीफिल आई है, और ये जो प्रिंट होगी पैन कार्ड पे वो भी इसी तरीके से होगी। जेंडर जो है आपका वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच और डिटेल ऑफ पेरेंट्स मिसमैच, क्या हुआ है दोस्तों? मुझे यहाँ पे फादर्स नेम में थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ एक चीज पूछ रही है कि वेदर मदर इज अ सिंगल पेरेंट विश टू अप्लाई पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। ऐसा नहीं है, सिंस मम्मी पापा दोनों हैं तो हम पापा के नाम से ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फादर्स नेम पूछ रहा है, अब फादर्स का नेम यहाँ पे हमें पूरी भरनी है। मदर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, इसको मैं नहीं भरता। पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यहाँ पे मैंने फादर्स नेम कर दिया क्योंकि अगर मदर नेम्स करता तो, अगर सिंगल पेरेंट्स होती मदर तो हम मदर नेम से करते, वैसे जनरली हम फादर नेम से करते। तो इस पर क्लिक करके मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अब ये जो है ऑटोमेटिकली ये जो ई केवाईसी है या आधार है वहां से ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। देखिए, अगर आप डिजायर करते हैं कि अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ क्लिक करके इसमें आप एड्रेस भर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे नीचे एड्रेस भरने के लिए पूरी डिटेल आएगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी है, इस पर मैंने टिक करके इसको इंडिया कर दिया कंट्री कोड को, और ये मेरा मोबाइल नंबर ठीक है और ईमेल आईडी ठीक है। इसके अलावा और
मुझे कोई डिटेल इसमें भरनी नहीं है, बस मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। डॉक्यूमेंट डिटेल है वो मांगेगा। देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में ऑलरेडी आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड पे आपको ये देख लेना है कि जो ईयर ऑफ बर्थ ओनली उस पर प्रिंटेड ना हो, पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ पूरा प्रिंटेड हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जो ऑनलाइन सबमिशन मोड वाला जो था वहां पे, जहां मैंने तीन ऑप्शन दिखाई थी आपको, जहां ई केवाईसी वाला था और एक था फिजिकल सबमिशन वाला, तो आप फिजिकल सबमिशन पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को भेज भी सकते हैं। प्रूफ ऑफ पैन में मैं यहाँ कॉपी ऑफ पैन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिक्लरेशन में जो भी मेरा नाम है और मैं सेल्फ की कैपेसिटी पे कर रहा हूँ, और हमने सिर्फ यहाँ दो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो ये दो यहाँ पे डाल दिया, प्लेस मैंने भर दिया और डेट भर के मैंने सबमिट कर दिया। दोस्तों पैन नंबर के बाद यहाँ आधार में मुझे जो फर्स्ट 8 डिजिट है उसको यहाँ भर के, यहाँ नेम एच पर पैन डालने के बाद मुझे जो आधार कार्ड का और पैन कार्ड का फोटो था मैंने यस कर दिया था, वो यहाँ पे आया है। जीएसटी नंबर हमें कुछ करना नहीं है, फिजिकल पैन रिक्वायर्ड यस है, और ये पूरी डिटेल आपकी खुल गई है। एक बार आपको डिटेल मिलाने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों मेरी डिटेल सही है, मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों ये पेमेंट का मांग रहा है। अब आप देखिए आपको जिस भी मोड से पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। 106 रुपये 90 पैसे का ये पेमेंट है। यहाँ आई एग्री पे करके प्रोसीड टू पेमेंट पे हम जाते हैं और यहाँ पे कंफर्म। दोस्तों मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, यहाँ कार्ड नंबर एक्सपायरी और CVV डाल के मैं पे क्लिक कर दूंगा। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ, आइए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ऑथेंटिकेट पे हमें क्लिक करना है। कंटिन्यू विथ ई केवाईसी आया, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इस पर जो ओटीपी आएगा उस पर हमें यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से अब आएगा कंटिन्यू विथ ई साइन। तरीके से देखिए हमारा एक टैब खुल गया, यहाँ पर मैं आई हियर बाय ऑथराइज NSDL को करके यहाँ आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी करूंगा। ये आधार नंबर डालने के बाद मैं फिर ओटीपी पे क्लिक करता हूँ और अब ओटीपी फिर से आएगी। ये ओटीपी आने के बाद मैंने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया और इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे आ गई थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हो गई है। अब ये डाउनलोड PDF पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से PDF भी आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पासवर्ड डाल के अगर ओके करता हूँ तो यहीं पे हमें दिख भी, द फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड टू ओपन द सेम इज डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमें डालनी है, जैसे मान लीजिए 1/1/2021 डालनी है तो 01/01/2021 डालनी पड़ेगी। इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी फॉर्म सबमिट हो चुकी है। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ क्लिक करके, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमारी जो है मेल पे और जो है हार्ड कॉपी वो भी करेक्टेड पैन की आ जाएगी हमारे पास, और इसके साथ ही हमारा काम हो गया। बस इतना सा ही काम करने का था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।